राधे राधे, मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल अविश्वास में, आपके अपने चैनल अविश्वास में। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से लेके आई हूँ मैं एक और कामदार वीडियो। कामदार का मेरा मतलब है जो आपके काम आए, यूजफुल वीडियो जो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बार बार यही कहती हूँ और एक बार फिर से कह रही हूँ कि अभी तक अगर आपने अविश्वास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविश्वास को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो वो सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कुछ पर्सनली मुझसे बात करनी है या मुझसे कोई सवाल करने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो वहाँ से इजीली मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं और वहाँ पर कनू ननू से जुड़ी काफ़ी सारी पोस्ट के भी दर्शन कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है कि राधा रानी के बारे में बताएंगे। क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं क्योंकि अभी जैसे कि जन्माष्टमी आ रही है, राधाष्टमी आ रही है, तो राधा रानी के बारे में पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कई लोग राधा रानी लेकर आ रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, उनका राधा रानी का आगमन उनके घर में हो रहा है, जिसके साथ ही उनके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन ये उपज रहे हैं कि दीदी हम एक सेकेंड कि दीदी हम उनकी स्थापना कब करें, स्थापना करें या प्राण प्रतिष्ठा करें, क्या करें क्या ना करें, कब लाएं कब ना लाएं, कैसे सेवा करें, क्या क्या करना चाहिए, यानी कि राधा रानी से जुड़ी सेवा से रिलेटेड उन्हें जानकारी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले राधा रानी को कब लाएं, क्योंकि आएंगे जब भी तो सेवा करेंगे, तो राधा रानी का आगमन आप पूरे साल में पहली बार कभी भी करवा सकते हैं, सभी दिन शुभ हैं ईश्वर के अकॉर्डिंग। बाकी आप कोशिश कीजिए, मेरी माने तो आप हरियाली तीज राधा रानी को बहुत ही प्रिय है, होली राधा रानी को बहुत ही प्रिय है, वहीं अपना जन्मदिन किसको प्यारा नहीं होता। तो हमारी राधा रानी जी का जन्मदिन राधा अष्टमी है। तो अगर आप सेवा लेना चाहते हैं, सेवा आपके घर में आ रही है, सेवा स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप कोशिश कीजिए राधा अष्टमी से कुछ दिन पहले आप राधा रानी जी का जो विग्रह है, उनका स्वरूप है, वो अपने घर में लेकर के आ जाए, ताकि एंड टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना आए। कई लोग ये स्वरूप बरसाना जा कर के लेकर के आते हैं, कई लोग अपने नियर बाय किसी भी पूजा शॉप से, मूर्ति शॉप से उसको परचेज करके लेके आते हैं। वहीं आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन शॉपिंग सभी कर रहे हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, तो ऑनलाइन भी राधा रानी जी के स्वरूप, राधा रानी जी के विग्रह मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसी के साथ उन्हें क्या कहकर अपने घर पर ले, तो जैसे कि मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बताया, जैसा कि मैं सभी देवी देवता के लिए बताती हूँ कि आपको क्या करना है, कि जब भी आपको उन्हें शॉप पर आपने पसंद कर लिया कि जी हमें इस तरह का ये विग्रह, इस साइज का विग्रह लेकर के अपने घर जाना है, तो आप उनसे आग्रह करेंगे कि हे राधा रानी, हे कृष्ण प्रिया, हे सुखदात्री देवी, हम तुम्हारी सेवा हेतु तुम्हें अपने घर पे, या हम तुम्हारी सेवा के लिए अपने घर पर आपको लेकर के जा रहे हैं, जो कि आपके जाने के बाद से आपका ही घर कहलाएगा, क्योंकि हमारी किसी भी वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, आपने दिया है, आप ही दे रहे हैं, आप ही आगे भी देंगे। तो ये कहते हुए आपको उन्हें घर लेकर के आना है, और ये भी कहते हुए कि कृपया कर हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। तो आप उन्हें अपने घर में ले आए, घर में लेके आके कई लोग आगमन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आगमन करना चाहिए, मैं भी करती हूँ। मैंने अपने नन्नू का नहीं हुआ क्योंकि नन्नू गिफ्टेड आया था, तो कन्नू का मैंने किया, माता रानी का मैंने किया अभी, और माधवन का नहीं हुआ क्योंकि माधवन का सुबह हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, वृंदावन से लेकर के आए थे, बहुत सुबह समथिंग 4:30-5 बज रहे होंगे और हम थकान से बहुत ज़्यादा चूर थे, तो उस टाइम कुछ होश ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, घर भी लॉक था, आप समझ सकते हैं कैसी हालत होती है, बस ऐसा लगता है कि आकर के बस जल्दी से नहाया जाए या हाथ मुँह धोए जाए, ड्रेस चेंज की जाए जो भी हम पहन के गए हैं,
और फिर जल्दी से हम आराम कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरीर टूट जाता है इतने लंबे सफर के बाद, क्योंकि दिल्ली टू वृंदावन बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसी के बाद फिर आप हो सके तो हर किसी का आगमन कीजिए। सबके यहाँ पर आगमन की विधि अलग अलग होती है। कई लोग तोरण करके करते हैं, कई लोग तेल डाल करके देहली पर करते हैं, कई लोग पानी डाल करके देहली पर करते हैं, कई लोग तिलक आरती करके करते हैं। हमारे में आरता करके आगमन किया जाता है, आपके में जैसे किया जाता है आरता यानी कि आरती। हम लोग राजस्थानी हैं तो हमारे आरती को आरता बोला जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आरता बोल रही है, तो हमारे यहाँ आरती को आरता बोला जाता है। जैसे कि कोई भी आया तो पहले देहली पर पानी डाला जाता है दो साइड, फिर उनका आरता करके उन्हें घर में लेके आया जाता है। तो इसी तरीके से हम इनको भी लेकर के आते हैं। इसके बाद बात आती है कि अब इनकी प्राण प्रतिष्ठा करें या स्थापना करें। तो देखो, बाल स्वरूप है, आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल कर सकते हैं, पूरे विधि विधान से कर सकते हैं। 5 दिन की जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस तरीके से कृष्ण की होती है, उसी तरीके से राधा की भी जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी कि आपको प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है। इसी के साथ साथ अगर आप उन्हें अदर देश लेकर के आते हैं तो आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर राधा अष्टमी पर सुबह 4 बजे जबकि राधा रानी जी का जन्म हुआ था उस टाइम उन्हें स्नान करा देते हैं पंचामृत से, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपको 4-5 दिन का प्रोसेस फॉलो करने की नीड नहीं है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ पंचामृत से सोचते हैं कि हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है पंचामृत से, स्थापना होती है, स्नान होता है। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ, जो सही सटीक जानकारी है वही आपको बताऊँगी, गलत कुछ भी नहीं बताऊँगी, या तो बताऊँगी ही नहीं, अगर बताऊँगी तो बिल्कुल सही बताऊँगी। तो जैसे कि अगर आपको किसी विग्रह की स्थापना करनी है, अभी पहले तो मैंने बात बताई बाल राधा रानी की कि आपको किस तरीके से करनी है, वहीं अगर आप युगल सरकार यानी कि किशोरावस्था में राधा रानी को लेकर के आना चाहते हैं। किशोरावस्था क्या है? जो खड़े स्वरूप में होती हैं, जो कि जवान हैं, जो कि किशोरी हैं, इसीलिए हम उन्हें किशोरी जी बोलते हैं ना, तो आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करिए या स्थापना कीजिए। अगर आप डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं, उनको स्नान का, उनके वस्त्र सेवा का, उनकी भोग सेवा का, तो आप बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा करिए। और मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी बड़ा विग्रह होता है, अगर आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा एक बार कर देते हैं तो आप उसे उसकी जगह से नहीं हिला सकते हैं, समझे, आप उसे उनकी जगह से नहीं हिला सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो सबकी गोद में जाता है, ठीक है, सबकी गोद में जाता है, बच्चों को इतनी आपत्ति नहीं है, लेकिन वहीं बड़े को एक जगह से बार 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 उठने के लिए बोला जाएगा कि नहीं, अभी आप यहाँ बैठ दो, अभी आप यहाँ बैठ दो, अभी आप यहाँ आ जाओ, अभी आप वहाँ जाओ, तो उसको क्या होगी, उसको चिड़ मचने लग जाती है। वैसे तो ईश्वर है, चिड़ नहीं मचेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उनमें प्राण है, हम बार बार उनको ऐसी चीज़ें करेंगे तो उनको दिक्कत होती है। आपने देखा होगा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई विग्रह होती हैं तो उनको उनकी जगह से हिलाया नहीं जाता है, उसी जगह पर उनका स्नान करा जाता है, उन्हें उसी जगह पर उनका श्रृंगार करा जाता है, उन्हीं जगह पर ही मानसिक रूप से उनको सोने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है जो किशोरावस्था में सेवा होती है। बाकी मैं बार बार कहती हूँ, वीडियो की बातें जितनी अच्छी लगती हैं उतनी आजमाइए, नहीं अच्छी लगती तो एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, क्योंकि कई लोग इसके बाद अपनी अपनी राय देने आते हैं, जिनको खुद भी ज्ञान नहीं है वो राय देने आते हैं, तो ऐसे ना करें। अगर वीडियो में वाकई ज्ञान देने की आपको कुछ ऐसी बात है कि जो मैंने मिस कर दिया है बताना, तो आप बिल्कुल मुझे सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। इसी के साथ जो बाल अवस्था है उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, वरना बड़े की तो आप पंचामृत स्नान करा के सिर्फ और सिर्फ स्थापना ही कर दें, वही काफ़ी है, क्योंकि उससे आप रूल में नहीं बनेंगे। आप चाहे उसके बाद डेली नियम की सेवा ले लें, चाहे आप कुछ दिनों की सेवा ले लें, कुछ दिनों की यानी कि आप कुछ हफ्ते पे, एकादशी पे, पूर्णमासी पे उन्हें स्नान कराएं, जैसे कि महीने में 2 से 3 बार, ठीक है, लेकिन आप उन्हें गंगा जल छींट करके डेली शुद्धि कर दें। उनके वस्त्र तो डेली चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, अगर आप करना चाहते हैं तो आप डेली कर सकते हैं, नहीं तो आप महीने में 2 से 3 बार कर सकते हैं। हाँ, भोग सेवा आप पूरी कर सकते हैं, भोग सेवा आप कर सकते हैं, बाकी सेवा आप जैसे श्रृंगार सेवा, स्नान सेवा आप मानसिक रूप से कर सकते हैं, शयन सेवा आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। इसी के बाद जो भोग सेवा है, जैसे कि मैंने कहा, आप जब भी खुद कुछ भी खाते हैं वो आप पहले भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद आप
खुद प्रसादी रूप में ग्रहण कर लीजिए। प्याज लहसुन से, बैंगन से, मसूर की दाल से, मांस मदरा से थोड़ा सा परहेज रखिए, अपना भी और भगवान का तो बिल्कुल ही रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेवा करनी है। और इनके जो बात आती है कि अब कई लोगों का फिर ये क्वेश्चन होगा कि दीदी क्या इनका जन्मदिन मनाएं, क्या इनका नहीं मनाएं, क्या इनकी छठी मनती है, क्या इनकी नहीं मनती। तो राधा रानी की भी छठी होती है। अगर आप उन्हें लेकर के आ रहे हैं, बालावस्था में लेकर के आ रहे हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उनकी छठी भी सेलिब्रेट करें, जो कि राधाष्टमी से ठीक छठे दिन होती है। जैसे कि लल्ला की छठी जन्माष्टमी से ठीक छठे दिन होती है। जैसे कि लल्ला की छठी में कड़ी चावल वगैरह बनता है, वैसे आप उनकी छठी में भी कड़ी चावल वगैरह बना सकते हैं। राधा रानी को मीठा बहुत पसंद है, तो आप मीठे व्यंजन बना सकते हैं। राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, तो आप अरबी भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ ये सब आप कर सकते हैं। और इसी के बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो आपने करना है, तो मुझे तो सबसे शुभ दिन जो है वो राधाष्टमी का लगता है, क्योंकि इससे आप कभी भी साल में भूलेंगे नहीं कि आपकी लाली का बर्थडे कब है। एक बार को आप डेट भूल सकते हैं, पर आप तिथि बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर वो तिथि बहुत खास है, तो जैसे कि हम दिवाली कभी नहीं भूलते, हम होली कभी नहीं भूलते, हम करवा चौथ कभी नहीं भूलते, हम तीज कभी नहीं भूलते, हम रक्षाबंधन कभी नहीं भूलते, वैसे ही हम जन्माष्टमी और राधाष्टमी भी कभी नहीं भूलते। तो आप इस तरीके से राधाष्टमी पे अपनी किशोरी जी को, अपनी लाडली जी को, अपनी राधा रानी सरकार को अपने घर पर लाइए, और उनकी पंचामृत स्नान से भी प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सरल विधि बताती हूँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बताती हूँ। जैसे कि अब मेरा नन्नू है, मैंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 5 दिन के प्रोसेस में की थी, लेकिन उनकी जो लास्ट दिन था जब उन्होंने पंचामृत स्नान किया, तो वो दिन था राधा अष्टमी। तो इसीलिए मैं इनको बांके बिहारी भी कहती हूँ, क्योंकि ये सांवरे हैं, सांवरे जी हैं, प्लस में कृष्ण भी हैं, और राधा रानी के जन्मदिन पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो कहीं ना कहीं राधा तत्व भी इनमें उतना ही जागरूक है जितना कि कृष्ण तत्व है, ठीक है। तो दोनों मिला के क्या बने हमारे बांके बिहारी जी, क्योंकि आप सभी को पता है जो राधा रानी जी और कृष्ण जी का सम्मिलित रूप है, वही हमारा बांके बिहारी जी सरकार का रूप है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरा कन्नू है, मैंने न्यू ईयर पर उसकी स्थापना करी थी, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा करी थी। तो आप वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि न्यू ईयर कब है, आप सभी को पता है कि न्यू ईयर कब है। तो ऐसे ही आप कुछ भी ऐसी खास तिथि पर कीजिए। बाकी अगर आप साल में किसी भी दिन करना चाहते हैं, तो देखिए ईश्वर के लिए सब दिन शुभ है, आप किसी भी एकादशी या पूर्णमासी पे कर सकते हैं उनकी स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा। तो आशा करती हूँ मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है, प्राण प्रतिष्ठा और उनको अपने घर के आगमन से लेकर। अब बात आती है सेवा की, सेवा भी मैंने आपको बता दी किस तरीके से, लेकिन अब कृष्ण जी के साथ राधा जी की सेवा कैसे करनी। तो जैसे कि आप कभी भी लल्ला की भी सेवा करते हैं, अगर आपके घर में एक से अधिक लल्ला की सेवा है, तो आप क्रम अनुसार करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़े का स्नान करवाएंगे, उसके बाद उसे छोटे का, उसके बाद उसे छोटे का, उसके बाद उसे छोटे का। ऐसे ही अगर आपके घर में राधा रानी जी सरकार हैं, तो आप सबसे पहले जो स्नान होगा, जो श्रृंगार होगा, जो भोग के लिए उनका आवाहन होगा, वो आप राधा रानी जी का पहले करेंगे, कृष्ण का बाद। क्योंकि अगर आप राधा रानी जी से पहले कृष्ण को पूछते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपने कभी भी देखा होगा कृष्ण राधा नहीं बोला जाता, राधा कृष्ण बोला जाता है। जब उन्होंने नाम का ही दर्जा अपने से पहले राधा रानी को दे दिया, तो उनकी सेवा का भी दर्जा अपने से पहले ही दिया गया है। तो सबसे पहले आप राधा रानी का सब चीज़ करेंगे। और हाँ, इतना सा ध्यान रखिएगा कि राधा रानी का स्नान पर्दे में कराइएगा। कई मूर्ख जन जो होते हैं, खुले आम उनको स्नान कराते हैं और खुले आम ही उनका सब कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा ना करें, थोड़ा पर्दे में रखें, क्योंकि वो आपकी बेटी हैं। आप अपनी बेटी को सब जगह दिखाते नहीं फिरते हैं, आप अपनी बहुओं को सब जगह दिखाते नहीं फिरते हैं, ठीक है। तो स्नान के समय में थोड़ा सा पर्दा रख के ही स्नान करवाइए उनकी, और हो सके तो श्रृंगार भी आप थोड़ा पर्दे में ही कीजिए, क्योंकि वो हमारी राधा रानी सरकार है, हमारी लाडली जी सरकार है। तो इतना सा नियम थोड़ा सा पालन कर लीजिए,
बाकी अगर मेरी कोई बात आप सबको बुरी लगी है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ वीडियो में मैंने सभी सटीक जानकारी आपको देने की कोशिश की है। वीडियो का अंत करते हुए बस यही कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो किसी भी काम आया तो एक बार फिर से यही कह रही हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि राधा रानी सरकार के जो भक्त हैं, हमारे जो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण डिवोटी हैं, उनके किसी काम में वीडियो आ सके। इसी के साथ मैं शिवानी फिर से इजाज़त लेती हूँ, आपसे फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री बिहारी जी सरकार की जय।